समाज के सभी युवा साथियों, समाज सेवियों और सभी पूजा समिति के सदस्यों का हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात होगा कि आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस, अभी जो मेयर का चुनाव होने जा रहा है उसी के संदर्भ में रखा गया। पटना का चुनाव 28 दिसंबर को होने जा रहा है और इसी संदर्भ में हम लोगों ने अपना एक प्रत्याशी घोषित करने का प्लान किया है, मन बनाया है काय समाज की तरफ से। क्योंकि यहाँ अभी वर्तमान में कई प्रत्याशी हैं, जिस कारण से समाज के मतदातागण असमंजस में है कि कहाँ किसको समर्थन किया जाए। ऐसी परिस्थिति में पूरे समाज के बुद्धिजीवी लोगों ने, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने, सभी पूजा समिति के सदस्यों ने और मोहल्ला मोहल्ला के लोग जो हैं, जो एक्टिव जो है राजनीति में एक्टिव है, उन सभी लोगों से राय मशवरा किया गया। सभी लोग से राय मांगा गया कि अपने अपने क्षेत्र का स्थिति से अवगत कराया जाए, क्योंकि पटना का मेयर का चुनाव बहुत बड़ा चुनाव है जिसमें करीब 16-17 लाख के मतदाता हैं और 75 वार्डों में वो बटा हुआ है। तो ये चुनाव कोई छोटा बड़ा चुनाव, छोटा चुनाव है नहीं, जस्ट लाइक एक सांसद का चुनाव होने जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में सभी मतदाताओं को ये करना, कास्तों के वोट का बिखराव को रोकना अति आवश्यक है, क्योंकि जब तक एक मत होकर एक उम्मीदवार के पक्ष में मतदान नहीं करेंगे तो चुनाव का नतीजा आना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि हमारी लड़ाई छोटी लड़ाई नहीं है, क्योंकि जो पिछले वर्तमान मेयर है उनके पीछे बड़ी पार्टी का हाथ है, बड़ी पार्टी का समर्थन है और बहुत बड़े पूंजीपति लोग हैं। तो हम लोग के पास जो शक्ति है वो शक्ति है मतदाताओं की। जैसा आप लोग सभी को पता होगा कि पटना में सबसे ज्यादा संख्या कायस्थों की है। अगर कायस्थों को हम लोग एक करने में, जो हम लोग का मकसद है, एक करने में हम लोग अगर सफल हो गए तो हमारी जीत को कोई भी रोक नहीं पाएगा। क्योंकि 5 से 6 लाख की संख्या में हम लोग यहाँ पटना में हैं और इसी उद्देश्य से हम लोगों ने एक राह बनाने का कोशिश किया है। वैसे लोगों को हम लोग यहाँ पर किसी भी उम्मीदवार का विरोध करने के लिए खड़ा नहीं है, क्योंकि हमारे समाज से जो भी है वो सभी बहुत अच्छे हैं, समाज से जुड़े हैं, सबका अपना अपना योगदान है समाज के लिए, किसी न किसी रूप में सभी लोग उनको जानते हैं। लेकिन उसके बावजूद एक नाम का फैसला करना आवश्यक है ताकि लोग एक मत हो सके, क्योंकि हमारे पास ऊपरी पंक्ति में कोई भी ऐसे नेतागण नहीं है जो सभी को एक कर पाए। हम लोगों ने प्रयास किया कि एक ही उम्मीदवार चुनाव मैदान में रहे, लेकिन जब सभी लोगों ने अपना अपना मत रखा और सभी अपने अपने स्तर से उनको लगता है कि वो जीत रहे, तो फिर समाज के ऐसे लोगों को जो किसी उम्मीदवार के पक्ष में नहीं है, किसी पार्टी के पक्ष में नहीं है, स्वतंत्र है, उनको राहत दिखाने के लिए काय समाज की तरफ से कायस्थों के लिए हम लोगों ने एक राह दिखाने का रास्ता निकाला है, ताकि और सभी से सभी पटना के तमाम काय मतदाताओं बंधुओं से निवेदन है कि किसी भी मतभेद में न पड़े और किसी यहाँ किसी पार्टी पॉलिटिक्स का बात नहीं हो रहा, केवल कायस्थ हित की बात हो रही है। अगर आप लोग सभी चाहते हैं कि कोई कायस्थ उम्मीदवार ही यहाँ से चुनाव जीते, तो इसके लिए आवश्यक है कि आप अपना
दोस्ती दुश्मनी मतभेद सब भूलकर किसी एक उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करें। जिनके जिनके साथ जो भी उम्मीदवार है सभी के साथ कुछ लोग घूमते हैं प्रचार के लिए, कोई उनका दोस्त है कोई परिवार के सदस्य है वो उनके साथ रहेंगे, हर उम्मीदवार के साथ कुछ लोग जुड़े हैं तो उनको मोटिवेट करना आसान नहीं है। लेकिन वैसे लोग जो किसी उम्मीदवार के साथ नहीं है उनके लिए हम लोग मेन करने का कार्यक्रम है, उनके लिए कि जो लोग अभी तक असमंजस में है कि किसको मतदान किया जाए ताकि चुनाव को जीता जा सके। और हम लोगों ने जब 75 वार्ड का आकलन किया, व्यक्तिगत रूप से लोगों से मिले, कई वार्ड में जो उम्मीदवार है उनसे मिले, जो पार्षद के उम्मीदवार है उनसे भी मिले, और बाजार का जो माहौल देखा उस सब को देखने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि किसी एक ही उम्मीदवार है जिस पर अगर बल दिया जाए उस पर ध्यान लगाया जाए तो हम लोग रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। और ये सभी हम लोग सभी का मत है, ये केवल एक व्यक्ति का मत नहीं है, पूरे लोगों का मत है। और उसी मत के आधार पर आज हम घोषणा करना चाह रहे हैं और आप सभी से पटना के सभी मतदाताओं से और यहाँ उपस्थित हमारे सभी भाई बंधुओं से निवेदन करना चाहते हैं, जिसका भी नाम हम लोग घोषित करते हैं वो ये ध्यान में रखें कि हम लोग किसी के पक्ष में नहीं है, किसी पक्ष का भी पक्ष का बात नहीं है, कोई दोस्त दुश्मनी का बात नहीं है, केवल समाज हित की बात है। हम लोग किसी के विरोध नहीं कर रहे हैं लेकिन समाज को हित को प्राथमिकता रखते हुए सिर्फ एक नाम का हम लोग घोषणा करने जा रहे हैं। और आप लोग सभी से निवेदन है कि आप लोग सबका समर्थन करें और अपने सभी लोगों को जरूर अवगत कराएं कि ऐसे लोगों को जो भी गलत मतभेद फैला पैदा कर रहे हैं, जो गलत पैसे दे रहे हैं, आंख बंद करने से दिन में अंधेरा नहीं हो सकता है, सभी को पता है कि कौन कितना सक्षम है कौन कितना योग्य है, तो सच्चाई को समझिए, दिल पर दिमाग पर जोर दीजिए और इस बात को समझिए कि चुनाव लड़ने के लिए केवल नॉमिनेशन करके खड़ा हो जाना ही सब चीज नहीं है, बहुत सा पहलू है चुनाव लड़ने के लिए। किसी के पास धन है तो किसी के पास जन नहीं है, किसी के पास ज्ञान है तो धन नहीं है। आपको 1800-1900 बूथ है, सभी बूथ पर किसी का नहीं है, 1900 बूथ पर बैठाना कोई आसान बात नहीं है। सभी लोग पहले जो आकलन किया है ज्यादा उम्मीदवार है जो कि अपने आसपास के बूथ तक सीमित है, तो 50 बूथ 100 बूथ इसी पर बैठा के काम चला लेंगे। अगर चुनाव लड़ना है तो पूरे बूथ पर लड़िए, 75 वार्ड में कैंपेनिंग कीजिए, तब जाकर कुछ रास्ता बनेगा। तो अंततः आप सभी के सहयोग से समर्थन से हम लोग 1,00,000 पर घोषणा करने जा रहे हैं और आप सभी का सहयोग का उम्मीद करते हैं, कृपया शांति बनाकर उसको एक्सेप्ट करें और आगे उनके लिए काम करें। जो भी जहां से है जो इस मैसेज को प्रसारित करें कि समाज ने 1,00,000 पर फैसला किया है उसको मदद करें। तो मैं बता दूं आज का जो फैसला हुआ है सभी लोगों के विचार विमर्श के बाद 544 की निवर्तमान पार्षद श्रीमती माला सिन्हा जी को हम लोग ने उम्मीदवार बनाया खास सभा की तरफ से। और आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है कि सभी लोग उनका समर्थन करें, जो जहां है जिस वार्ड में है जिस क्षेत्र में है वहां उनका समर्थन करें और यह निश्चित करें कि हम लोग का विजय हो। केवल चुनाव लड़े नहीं, हम लोग अच्छी मात्रा में अच्छी संख्या से चुनाव को जीते।
कर चुके, वैसे ही अपने पटना के लिए 95 क्या 100% कोशिश करेंगे कि 100% काम कर पाए। और बहुत बहुत धन्यवाद, सबके आभारी रहेंगे, कर्जदार रहेंगे।